हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, आज हम करने वाले हैं इसमें MHI 5 की यूनिट नंबर 3। ये हमने जो है दो पार्ट के अंदर वीडियो बनाई है। ये पहला पार्ट है आपका, क्योंकि आपका चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी बार बन भी जाता है, ठीक है। इस वजह दोनों टॉपिक कवर करने एक वीडियो में बहुत ही मुश्किल थे, इस वजह से हमने दोनों के अलग अलग वीडियो बनाई है। तो गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो पहले पढ़ा है हमने, यानी कि इकाई 1 और इकाई 2 के अंदर, ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंदर जो हमने पढ़ा है उसमें पूर्व औपनिवेशिक है, इसमें सिर्फ औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। दूसरा चैप्टर जो है उसमें भी पूर्व औपनिवेशिक काल है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में प्राचीन काल का है, सेकेंड चैप्टर में मध्यकाल का है, और इसमें जो है हम कह सकते हैं आधुनिक टाइम का है, इसलिए इसमें आज कुछ नहीं लिखा है। वैसे आधुनिक यानी वैसे आज के समय का, इसमें सिर्फ औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन लिखा है, ठीक है, नाम इस चैप्टर का। तो इसमें जो है सेकंड वीडियो जो है हमारी, उसके अंदर हम नए रुझान पढ़ेंगे, क्योंकि नए रुझान काफ़ी बार क्वेश्चन इसका आ जाता है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन के नए रुझान बताइए, या फिर इसका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण या फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। वो मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इस वाली वीडियो के अंदर हम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से, और इसमें जो हमने वीडियो बनाई है ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया गया है, बुक की हार्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सारी दर्शाई गई है, ठीक है। भारतीय उत्पादों की महत्वता को इंग्लैंड के अर्थशास्त्री ने भलीभांति समझा, ठीक है, यानी कि भारत के जो भी उत्पाद थे, जो भारत में उत्पादन होता था फैक्ट्री में, खेती से या किसी भी चीज़ से, मुख्य रूप से यहाँ पर धागे कपड़े वगैरह का उत्पाद होता था, ठीक है, और इन चीज़ों को बेचा जाता था, जैसे कि मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी वो सीधा सीधा अपनी यहाँ पर कंपनी लगाए बैठी थी, ठीक है। प्लासी का युद्ध था, उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ पे कंपनी लगाई लगभग 1600 ईसा के आसपास। तो उसके बाद यहाँ से भारत का पतन हमारा स्टार्ट होता है, और यहाँ से जो है जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश लोग थे, वो यहाँ से मतलब सारा काम करवाते थे भारत के अंदर, और सीधा सीधा पैसा जो था यहाँ से अपनी ओर लेकर जाते थे। इस वाले चैप्टर के अंदर सीधा सीधा यही दर्शाया गया है कि मतलब किस तरीके से वो अपने अपने पैसे अपनी तरफ लेकर जाते थे, ठीक है, और इसके उपयोग को भी भलीभांति जान लिया। और ऐसे ही एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक है, यहाँ पे जो है ना आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जितने थिंकर हैं, जितने विचारक हैं, ठीक है, इनकी जो पुस्तक है उनके नाम जरूर लिखिएगा आप। अगर आप नाम लिखते हैं इनके तो आपको काफ़ी अच्छे खासे नंबर इससे मिल सकते हैं, और इनको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। मान लीजिए आप आंसर ब्लैक से नहीं कर रहे, ब्लू से कर रहे हैं, तो इसको ब्लैक से कर दीजिएगा, या फिर डबल स्क्रीन से अंडरलाइन लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही इनकी जो किताब है एडम स्मिथ की, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन ने इन्होंने इसमें ये चीज़ स्वीकार की, किस चीज़ को, ये कि मतलब इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री ने भली बातें समझा, यही बात इन्होंने एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक के अंदर स्वीकार की। जब 18वीं शताब्दी के में कंपनी के शासन की आलोचना ब्रिटिश सरकार में भी होने लगी, तो लोगों का कंपनी शासन की बुराइयों की ओर ध्यान गया। उससे पहले लोगों का मतलब काफ़ी हद तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन इनका जो है वर्चस्व भी काफ़ी था ब्रिटिश सरकार का, इस वजह से लोग उनके अंडर ही काम कर रहे थे, उनके अधीन ही काम कर रहे थे। बाद में जो ये लोग आए, थिंकर आए, इन्होंने देखा कि मतलब धन निकासी की बात इन लोगों को समझ में आने लगी। धन निकासी मतलब था कि एक तरफ ही धन जाता है, यानी ब्रिटिश की तरफ, ठीक है, यानी ब्रिटिश शासन होता वो अपने ही हित के लिए धन का यूज़ कर रहा था, भारत वालों के लिए नहीं। भारत वालों को तो बहुत ही कम मात्रा में पैसा दिया जाता था, बल्कि उनके ऊपर 50 से लेकर टैक्स लगा दिए जाते थे, जिससे कि वो पैसा भी उनके पास ही जाता था, इंग्लैंड के लोगों के पास, किसके पास, ब्रिटिश लोगों के पास, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक उदारवादी और नव उदारवादी द्वारा औपनिवेशिक शासन पर लिखा गया, दो विचारधारा और है हमारी, उदारवादी और नव उदारवादी, इन दोनों को इसमें हम पढ़ेंगे। साथ साथ ही वामपंथी और राष्ट्रवादी लेखकों आदि ने भी इसमें संशोधन में इसमें विकास पाया, इसमें हम राष्ट्रवादी लेखक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य प्रवृत्ति की बात करें अगर हम, इसका पॉइंट है सेकंड, तो इसमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण पहला पॉइंट आता है। औपनिवेशिक दृष्टिकोण है क्या, ठीक है, रियल माइंड में हमें यहाँ पता चलता है। औपनिवेशिक दृष्टिकोण के लेखकों ने ब्रिटिश शासन के समर्थक में लिखा। अब यहाँ पे एक चीज़ है गौर करने वाली कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण यानी कि उनका नज़रिया देखने का, ठीक है, इनके जो भी थिंकर थे देखने के लिए, उन लोगों ने ब्रिटिश शासक के समर्थन में लिखा। उन लोगों का कहना था कि ब्रिटिश शासन जो है भारतीय के लिए वरदान है, भारतीयों के लिए वरदान है, और ब्रिटिश शासन के द्वारा ही भारत में आर्थिक प्रगति हुई है, यानी कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण जो है उनके हित की बात करता है ब्रिटिश सरकार की, ठीक है, या ब्रिटिश शासन की, एक ही चीज़ है, कुछ भी कह लीजिए आप, वैसे ब्रिटिश शासन लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और ब्रिटिश शासन के द्वारा ही भारत में आर्थिक प्रगति हुई, ये लोग कहते हैं, और साथ साथ में भारत पिछड़ेपन से निकलकर आधुनिक बना है,
क्योंकि भारत में शांति और अच्छा प्रशासन कायम करने में ब्रिटिश शासन का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कहना है औपनिवेशिक शासन का, ठीक है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण वालों का, जो लोग औपनिवेशिक की तरफ जोर देते हैं, ठीक है। हमें दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जो कि एक इंडिया की तरफ की बात करते हैं, दूसरे बात करते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण की, लेकिन हैं ये दोनों इंडिया के ही, और भारत के भी कुछ थिंकर हमें देखने को मिलते हैं। अब इनका कहना क्या है कि इनका कहना है कि राज्य जो है हमारा भारत जो था देश, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और साथ साथ ही वो आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इन्हें जीत कर एक सा शासन दिया, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ब्रिटिश शासन ने इनका दिल भी जीत लिया। उसके बाद ही कंपनियां यहाँ पर लगाई गई थी इनकी, ब्रिटिश सरकार की, और जिससे पैसा करते अपना कमाते थे, जिससे भारत का शोषण करते थे, और साथ साथ ही यह मानते हैं कि भारत में भी इससे पहले कोई निश्चित शासन पद्धति नहीं थी, यानी कि बिल्कुल ऐसी कोई स्पष्ट पद्धति नहीं थी, यहाँ भी लोगों का ये कहना है। और साथ साथ ही ब्रिटिश के द्वारा ही रेलवे द्वारा यातायात सुलभ हुआ, यानी कि रेलवे का जो जाल बिछाया गया वो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन द्वारा ही बिछाया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में ब्रिटेन का ही हाथ है, ये लोग कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ ही उसने सिंचाई के साधन भी प्राप्त कराए, यानी खेती भी करवाते थे ब्रिटिश के लोग जो थे, ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, ठीक है, वो साथ साथ में शासन तो करते ही थे, और साथ साथ में यहाँ पर खेती भी कराते थे, उनके लिए खेती में जल के लिए सिंचाई का साधन, ये सब रेल तंत्र, इन सबको किसने विकसित किया, ब्रिटिश शासन ने इन सबको रखा सामने लाके। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि अगर ब्रिटिश सरकार नहीं आती तो शायद भारत का इतना विकास नहीं हो पाता जितना कि उस टाइम में हो पाया, या फिर आज के टाइम में हो पाया, यानी कि उनकी नींव मजबूत इन्होंने की है, ये कहना है इन लोगों का, ठीक है। साथ साथ में जो रेलवे का ट्रैक बिछाया गया, सिंचाई के साधन हुए, और साथ साथ में एकता देखने को मिली, ये सब किससे मिली है, ये सब हमें ब्रिटिश शासन से देखने को मिलती है। तो ये कहना ये चाहते हैं कि मतलब कि भारत के लिए लाभकारी सौदा था, या फिर लाभकारी मानते हैं इसको। साथ साथ ही राष्ट्रवादी के विचारों का भी ये खंडन करते हैं, यानी कि ये जो थे लोग ये राष्ट्रवादी के विचार को नहीं मानते हैं। अब राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है वो जान लेते हैं पहले हम। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने यह देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत पर बोझ है, अब ये इसकी आलोचना करते हैं एक तरीके से, ठीक है, ये इसके आलोचक हैं, हम सीधे सीधे कह सकते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण के ये आलोचक हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है, इन लोगों का कहना है कि ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश शासन जो है, ये भारत के ऊपर बोझ था, और इसमें जो इस हर यानी कि सिर्फ एक चीज़ में ही नहीं, हर क्षेत्र में उन्होंने उस चीज़ का शोषण किया, भारत का शोषण किया। कोई से भी क्षेत्र ले लीजिए, जितने भी तरीके थे पैसे कमाने के, उन हर जगह हमें कहीं ना कहीं पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन के पैर गड़े हुए मिलते हैं, या फिर जमे हुए मिलते हैं, ठीक है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत में किस प्रकार धन बाहर निकाला जा रहा है को देखा। राष्ट्रवादी इतिहासकार ये दिखाते हैं सीधा सीधे तौर पे कि मतलब किस तरीके से ब्रिटिश के लोग जो थे, ब्रिटिश शासन जो था, वो किस तरीके से पैसा अपने साइड लेके जा रहा था पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ भारत वालों का मतलब यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, यहाँ पे व्यापार भी बढ़ा, यहाँ पे हमें सब चीज़ बढ़ती हुई देखने को मिलती है, पर लेकिन भारत की आर्थिक प्रगति नहीं हुई, क्यों, यहाँ पे ये सवाल है राष्ट्रवादी लोगों कहना, ठीक है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है सीधे तौर पे ये तर्क देता है कि अगर इतना कुछ हुआ तो उसके बाद भारत की आर्थिक प्रगति क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि भारत का जितना भी धन था वो एक तरफा जा रहा था पश्चिम की ओर, जो कि ठीक है यानी इंग्लैंड की ओर, जो ब्रिटिश शासन था वो धन सीधा सीधा अपने यहाँ पे लेके जा रहा था। इन राष्ट्रवादी ने धन के निकास की संज्ञा दी, ठीक है, धन के निकास की संज्ञा इसको दी है, और धन के निकास की संज्ञा में जो है दादा भाई नौरोजी जी का सबसे अच्छी बुक मानी गई है, या फिर उनकी संज्ञा सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके समर्थकों में हम दादा भाई नौरोजी जी, देखिए यहाँ नाम आ भी गया है, और साथ साथ ही महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, इन सब के और जोशी आदि के समर्थक इनके ये मतलब हैं किसके, धन की निकासी के, निकासी या फिर निकास, धन का निकास कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, ये इनके सबसे ज़्यादा समर्थक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेन आते हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, जिनकी पुस्तक भी है, उनका नाम हम आगे आपको बताएंगे। ये राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के नाम ले सकते हैं, ठीक है, ये अर्थशास्त्री हैं बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में यह तक सामने रखा कि किस प्रकार ब्रिटेन भारत का निरंतर शोषण कर रहा है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि ब्रिटेन ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने इस्तेमाल के लिए अधीन कर लिया, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सारा फायदा किसको मिला, ब्रिटेन सरकार को या ब्रिटेन शासक को।
और लेकिन काम कौन कर रहा था, काम कर रहा था भारत पूरे तरीके से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भारत एक तरह से गुलाम की स्थिति में बना रहा पूरे पूरे तरीके से। ब्रिटेन जो है अपना फ़ायदा उठाते रहे, भारत वालों से काम करते रहे। भारत वालों के ऊपर 50 तरीके का टैक्स लगा दिए गए, कभी किसी चीज़ के ऊपर टैक्स, जैसे यहाँ पानी के लिए टैक्स भी देखने को मिलता है हमें, जैसे कृषि की सिंचाई वगैरह मैंने हम बताया आपको, और जो भी फ़ायदा उन्होंने कराया, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे पूरे तरीके से ब्रिटेन शासन अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर काम कर रहा था, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छे खासे इनकम यहाँ से मिल रही थी। यहाँ पर हम बताएंगे आपको इनकम भी बाद में कितनी थी। भारत को हर क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा, जैसे उद्योग का विनाश हुआ। यहाँ पे अगर बात करें हम उद्योगों की, तो भारत के जो खुद के उद्योग थे उनका विनाश हुआ। भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी ऐसे किसानों की संख्या बढ़ गई। साथ साथ ही रोज़गार का भी पतन हुआ, यानी कि यह रोज़गार भी ख़त्म हो गया। यानी कि ये सारे पॉइंट बताते हैं सीधे सीधे तौर पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण लोग जो मानते हैं या विचारक, ठीक है। यानी कि हर क्षेत्र में जहाँ से भी पैसा आ सकता था सीधा सीधा वहाँ उनका पतन हुआ। ब्रिटिश शासन में सुरक्षा व जन प्रशासन पर जो धन खर्च किया जाता था उसकी भरपाई भी भारत में राजस्व बढ़ाकर कर दी जाती थी। यानी कि ठीक है, राजस्व बढ़ाकर की जाती थी। वैसे ये जो है राजस्व टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स को बढ़ाकर उनकी पूरी भरपाई कर दी जाती थी। जिसकी मार किसको झेलनी पड़ी, आम जनता को झेलनी पड़ी, भारत के जो लोग थे आम जनता को, जिससे भारतीयों की आय में कमी हुई, ठीक है। यहाँ पर आय में भी कमी हमें देखने को मिलती है इस वजह से, यानी उनकी इनकम में। भारत के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वह बड़ा बुरा साबित हुआ। कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। वाणिज्यकरण मतलब हम कह सकते हैं व्यापार। वाणिज्यकरण व्यापार मतलब इस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए सामने ब्रिटिश शासक है और हमारा भारत है, कृषि भी भारत में करवाई जा रही है, पर लेकिन वो किसके द्वारा करवाई जा रही है, ब्रिटिश शासक के द्वारा। जो फसल हमने लगाई बोई उनका फ़ायदा किसको मिला, ब्रिटिश शासक को, तो इसको हम वाणिज्यकरण कह सकते हैं, ठीक है। यानी हम एक तरह से व्यापार भी कह सकते हैं, व्यापारीकरण हुआ इसका, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कृषक वर्ग भी जो है कई चीज़ों में बट गया, जैसे कि बटाईदार, पट्टेदार और भूमिहीन कृषक आदि। बटाईदार वो होता है बटाई पर कृषि करते हैं लोग, खेती करते हैं। कैसे, इसमें ऐसा होता है, यानी कि अब मान लीजिए एक किसान है, उसको पास ज़मीन नहीं है, अब उसने किसी से ज़मीन ली पर वो किराया नहीं चुका सकता ज़मीन का, पहले या बाद में जो भी है, तो उसको बटाई पर ज़मीन दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आप फसल उगाते हैं, तो जो चार हिस्सा है उन चार हिस्से में से दो हिस्से या तो मेरे होंगे फसल के जो लगेगा, या फिर जितनी भी फसल कटेगी पूरी एंड में लास्ट में उसका एक तिहाई या दो तिहाई हिस्सा मेरे पास होगा, ठीक है। यानी 25% या फिर 50%, ये होती है बटाईदार, ठीक है। पट्टेदारी होता है किसी को किराए पर ज़मीन देना और उससे किराया वसूल करना। और भूमिहीन कृषक वो होता है इसके पास कृषि नहीं थी अपनी कृषि करने के लिए, वो दूसरे खेती पर ज़मीन करता था। कृषि की आय कम होती गई, यानी कि यहाँ कृषि के पैसे जो है कम होते गए, और वह महाजनों और सूदखोरों से सूद पर पैसा लेने लगे। सूद मतलब होता है ब्याज, ठीक है। सूदखोर वो होते हैं जो बैठे बैठे अपने मतलब पैसा देते हैं और उसका ब्याज खाते हैं बैठे बैठे, उनको सूदखोर कहा जाता है। अब क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए भुखमरी फैल गई, महामारी फैल गई। अब महामारी में अकाल का जो दौर 19वीं शताब्दी में भारत में आया, उसके लिए भी राष्ट्रवादी इतिहास का ब्रिटिश शासक को ही जिम्मेदार मानते हैं, जो कि एकदम सही भी था। आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का अभाव, अभाव मतलब कमी, यानी कि आज के टाइम में सिंचाई व्यवस्था की जो कमी है, कृषि व निवेश का ना होना, या भारत में वैज्ञानिकों तकनीकी शिक्षा का अभाव आदि देखने को हम ऐसे मुद्दे मिलते हैं। यानी तकनीकी शिक्षा के ऊपर कम हमने कार्य किया है, वैज्ञानिक के ऊपर कम कार्य है, इन सबको जो है राष्ट्रवादियों ने, इन सब मुद्दों को राष्ट्रवादियों ने उठाया। साथ साथ ही ब्रिटिश शासन की कमियों को भी उजागर किया। राष्ट्रवादियों ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उनकी मुद्रा विनिमय व्यापार आदि की आलोचना की, ठीक है। यानी ब्रिटिश शासन की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी उनकी, या मुद्रा विनिमय या फिर व्यापार हो गया, इन सब की सीधी सीधी आलोचना की, और यह दर्शाने की कोशिश की कि वो किस प्रकार अधिक से अधिक कर लगाकर भारत का शोषण करने पर तुला हुआ है। वह भारत को हर क्षेत्र में अपना पिछलग्गू बनाना चाहता है। पिछलग्गू मीन्स वो होता है जो पीछे लगा रहे। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश शासन अपना पैसा कमा रहा है और भारत उसका व्यापार करने में लगा रहे हैं, मतलब उसके साथ मिलकर काम करता रहे, पर लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है, सिर्फ ब्रिटिश शासन को। और भारत धन को बाहर भेजा जा रहा है, इस चीज़ को भी यहाँ पर इन लोगों ने रखा है। अब आता है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। लेकिन एक बात और है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंदर
हमें काफ़ी चीज़ सेम देखने को मिलती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के पीछे पीछे रही, ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया गया राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने भी। जैसे जैसे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी परिवर्तन हुए, पर लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहना यह है कि इसको विकास मानना गलत होगा, ये हमारा विकास नहीं था, इसमें सिर्फ परिवर्तन आए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण किसकी है? कार्ल मार्क्स की, ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए, ठीक है, इसको विकास मानना गलत होगा। ब्रिटेन में पूंजीवाद को बढ़ाने के पीछे ब्रिटेन की यूरोप के बाहर साम्राज्यवाद व शोषण की नीतियाँ थी, यानी कि ब्रिटेन में जितना भी पूंजीवाद बढ़ी, यानी कि उनकी तरफ जो पैसा गया, उसके पीछे ब्रिटेन के जो है साम्राज्यवाद व उसके शोषण की नीतियाँ थी। साम्राज्यवाद क्या होता है, पहले इस वर्ड को जान लेते हैं। और यहाँ पे जो है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के ऊपर हमें कार्ल मार्क्स के सबसे अच्छे विचार देखने को मिलते हैं। एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्र को अपने अधीन कर उसका जो हित है पूरे अपने उसमें करना, अपने हित में उसका उपयोग करना, ऐसे सिद्धांत को जो है साम्राज्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है या फिर साम्राज्यवाद कहा जाता है। भारत में जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसको जो है मार्क्सवादी उसी लड़ाई को कहते हैं कि मतलब वहीं से ही हमारे भारत की पतन की स्थिति शुरू होती है, जहां से भारतीय धन को बाहर की ओर ले जाना शुरू किया गया। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शोषण किया और उद्योगों को बढ़ाने के लिए यहां से पूंजी भेजने लगे, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। वैसे भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी ये चीज़ आती है और ये हमें कार्ल मार्क्स में देखने को मिलती है। ब्रिटेन के शासन का भारत पर हमेशा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा, भारतीय जनता का शोषण होता रहा। जिन मार्क्सवादी लेखकों ने ब्रिटिश शासन की जमकर आलोचना की है वह रामकृष्ण मुखर्जी, इरफान हबीब आदि हैं, ठीक है। इरफान हबीब के जो है हमें काफ़ी ज़्यादा विचार देखने को मिलते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंदर यानी कि राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दोनों कई मुद्दों पर एक दूसरे के समान विचार रखते हैं, तो कई मुद्दों पर एक दूसरे से भिन्न भिन्न विचार भी लगते हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों के मुकाबले मार्क्सवादी अपने विचार ज़्यादा प्रभावी ढंग से रखे। विशेष तौर पर मार्क्सवादी ने जो है अपने ज़्यादा अच्छे तरीके से विचार रखे हैं, ठीक है, बजाय राष्ट्रवादी के। विशेष तौर पर यहाँ पूंजी और साम्राज्यवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करने में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण मतलब कुछ बिंदुओं पर अपने सहमत नज़र करते हुए जताते हैं कि हम इन बिंदुओं पर सहमत हैं, जैसे कि ब्रिटिश की ओर धन का बहाव, यानी कि सारा धन जो है ब्रिटिश की ओर जा रहा था। दूसरा पॉइंट है इनका औद्योगिक विनाश, यानी हमारे उद्योग का विनाश हुआ। और साथ साथ ही तीसरा पॉइंट है कृषि की दमनकारी वाणिज्यकरण, यानी कृषि का जो है दमन हुआ, उसका वाणिज्यकरण हुआ। साथ साथ ही चौथा पॉइंट हमारा आम जनता का अति शोषण आदि, यानी आम जनता का भी हमें शोषण देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं इतिहासकारों ने भी उपनिवेशवाद शासन पर लिखा है, पर फिलहाल उसके विचार हम यहाँ पर नहीं जानेंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि उदारवादी एवं नव उदारवादी व्याख्या, ये मैं सिर्फ आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बताए हैं, मेन पॉइंट जो है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए वीडियो इस समय भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और अब भी काफ़ी पॉइंट बचा हुआ है, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अभी जो उदारवादी एवं नव उदारवादी जो लोग थे, इनकी विचारधारा जो थी, इनके दृष्टिकोण जो था देखने का, इनका थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलता है। इसे नव उदारवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि नए तरीके में बताई गई है, ये उन सब दोनों के बाद में आती है। 1980 के दशक में अमेरिकी विश्व में आर्थिक इतिहास में क्रांति विरोधी आवाज़ उठी, ठीक है, कहाँ पर, अमेरिका में। इनके द्वारा जो है आर्थिक इतिहास पर द्वारा विचार किया गया, यानी पुनर्विचार किया गया, साथ में जो है साम्राज्यवाद पर पुनर्मूल्यांकन किया गया। इन दोनों ही वर्ड पर यहाँ पर द्वारा विचार किया जाता है। और इन लोगों का कहना है कि इन विचारधारा ने कौन सा मार्क्सवादी एवं वामपंथी और साथ साथ ही उदारवादी विद्वानों के विचारधारा से इनको एक साइड हटा दिया और इनसे अलग हटकर लिखा, ठीक है। और ऐसे जो लोग थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा, वो थे केन एवं हॉपकिंस और डेविस, ये सारे ही अमेरिकी लोग थे, ठीक है, आदि लोग, आदि भी कह सकते हैं आदि। इन विद्वानों ने बताया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद उतना शोषक नहीं था जितना कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताता है या फिर राष्ट्रवादी बताते हैं। यह लोग एक ही दृष्टिकोण रखते हैं और कहते हैं, यानी कि इन लोगों का कहना है कि मतलब हम कहें साफ तौर पर, तो ये सीधे सीधे मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं ये दोनों पर, लेकिन ये डायरेक्टली आलोचना नहीं करते, इनडायरेक्टली आलोचना करते हैं। इन लोगों का कहना है कि मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है ये लोग सिर्फ एक ही हित को देखते हैं, यानी कि ब्रिटिश की ओर जो धन जा रहा था उसको। इन्होंने ये नहीं बताया, ये नहीं कहीं भी दिखाया कि मतलब भारत का भी जो आर्थिक विकास हुआ या फिर जो भी चीज़ है प्रगति हुई
वो चीज़ इन्होंने नहीं दिखाई। यहाँ पर इनका ये कहना है, साथ में कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि ब्रिटेन यदि एक निश्चित समय पर अपना साम्राज्य छोड़ दे तो उसकी हालात और अच्छी होती। हाल ही में सामने आई उदारवादी एवं नव उदारवादी आदर्श साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर कठोर नजरिया मात्र नहीं था। ऐसे ही क्लार्क हैं एक विचारक और, ये भारतीय मिलों में श्रमिकों का उत्पादन क्षमता को ब्रिटेन से आयत जारी रखने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। यानी आयत मतलब वही खरीदना माल, ठीक है, आयत निर्यात, ठीक है। नई विचारधारा सामने आई और पुराने आंकड़ों को भी नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। किसकी विचारधारा के अनुसार? यहाँ पे उदारवादी और नव उदारवादी विचारधारा के अनुसार नया दृष्टिकोण दिया गया दोनों को ही, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीनों ही लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो। बाकी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इतिहास लेखन के मुद्दे एवं विषय। इन लोगों के मुद्दे क्या था इतिहास लिखने का, ठीक है, और इनका विषय क्या रहा, यह है मुख्य रूप से 18वीं सदी एवं उपनिवेशवाद का। 18वीं सदी और उपनिवेशवाद के इतिहास लेखन में जो है इरफान हबीब, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से 18वीं सदी शताब्दी में इरफान हबीब ने लिखा। 1960 के दशक में इन्होंने चर्चा की और साथ साथ ही इनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक लक्षण के बावजूद भी भारत में पूंजीवाद विकास की कोई संभावना नहीं थी। यानी कि इनकी भी विचारधारा काफ़ी हद तक हमें कार्ल मार्क्स या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुसार देखने को मिलती है। कई विद्वानों ने इनकी आलोचना भी की और वे कहते हैं कि पाश्चात्य देश की आर्थिक विकास के मॉडल बन सकते थे। मार्क्स की विचारधारा में सामंतवाद से पूंजीवाद तक की संक्रमण की घटना को नहीं देखा गया। पिछले एक दशक में कई धारणा का विकास हुआ जो सामंतवाद से पूंजीवाद के सफर के बारे में है, ठीक है। यानी सामंतवाद से सीधा सीधा पूंजीवाद के सफर के बारे में है। हमने सीधा सीधे तौर पर अगर बात करें तो इसमें सिर्फ वही दर्शाया गया है जो ब्रिटिश शासन ने भारत का विनाश करा या फिर शोषण करा, पर यहाँ पे सिर्फ विचारधारा अलग दर्शाई गई हैं। तो आप हाईलाइट करके जरूर विचारधारा को जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब धन की निकासी, ये भी काफ़ी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने ये लिख लिया है ताकि आपको अच्छा लगे, याद हो सके। बाकी देखिए नोट्स के तौर पर अगर बात की, काफ़ी बच्चे नोट्स की भी कहते हैं, तो सब मैंने आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दिया है। तो आप यहाँ से सीधा सीधा वीडियो पॉज करके स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, बाद में उसके पीडीएफ बना सकते हैं। बाकी कुछ टाइम बाद देखेंगे हम अपने वेबसाइट पे भी इसका एक पेज बनाएंगे, उस पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी सेम पीस मिलेगा, पर आपको यही चीज़ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पर अभी नहीं, बाद में। और अगर बात करें धन की निकासी की, तो देखिए एक तरफा धन निकासी हो रही थी जैसे मैंने आपको बताया, तो धन की निकासी का सिद्धांत सबसे अच्छा बताया जाता है वो है दादा भाई नौराजी का, इनसे संबंधित था। उन्होंने भारत से ब्रिटेन को जाने वाले धन का अनुमान लगाया और बताया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से अपना धन भारत भेज रहे थे, अपने देश भेज रहे थे, ठीक है, सॉरी भारत नहीं, अपने देश भेज रहे थे, और यह किन किन रूपों में जा रहा था, ठीक है। यह सब चीज़ दादा भाई नौराजी ने यहाँ पर दर्शाई है। 18वीं शताब्दी में जो है राजा राम मोहन राय ने भी इसका अनुमान लगाया था, लेकिन दादा भाई नौराजी का हमें पॉइंट ज़्यादा तर्क वाला या अच्छा मिलता है, या फिर जो कह लिए उभर के सामने आया, कुछ भी कह लीजिए। तो दादा भाई नौराजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, जो कि उन्होंने 1901 में प्रकाशित की, इसमें जो है धन के निकास की व्याख्या की गई है, किस तरह से मतलब धन एक तरफ ही जा रहा था। 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है यहाँ पे लगभग 1500 मिलियन डॉलर की निकासी भारत से ब्रिटेन की ओर हुई। अब ये बात आप सोच लीजिए कि ये जो किताब है पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में लिखी गई थी, तो उस हिसाब से 1500 डॉलर कितने बैठेंगे, आज के टाइम के तो ज़्यादा बैठेंगे वैसे, पर लेकिन उस समय का एक रुपया भी बहुत ज़्यादा मायने रखता था, उस समय के मिलियन की बात की गई है, ठीक है। और साथ साथ ही ब्रिटेन ने तैयार माल पर, माल के निर्यात पर भी मुनाफा कमाया। यानी कि ब्रिटेन सरकार जो थी वो ऐसी थी, हर तरीके से जहाँ से भी इसका मौका मिलता था हर तरीके से वो मुनाफा कमाती थी और हर चीज़ में ही अपना फ़ायदा देखती थी। और साथ साथ ही गृह शुल्क के भुगतान के रूप में भारतीय धन को इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है, इंग्लैंड जाता था सब माल, ठीक है, ब्रिटिश जो थे इंग्लैंड से ही आए थे, ऐसा पता ही होगा आपको। भारत में नौकरी करने वाले जो अंग्रेज अफसर थे उनकी पेंशन के रूप में, और एवं ब्रिटेन में रहने वाले बड़े अफसरों को जो कि भारत के लिए काम करते थे को पेंशन देने के रूप में भी भारतीय धन विदेश जा रहा था। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कितने रूप से भारतीय धन विदेश में जा रहा था, लेकिन इतना ही नहीं है, और भी है, पर इतना आपके लिए काफ़ी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये भी, ठीक है, और आप इतना नहीं लिख पाएंगे, और जहाँ तक है क्योंकि अभी ये चैप्टर समाप्त भी नहीं हुआ है, ये इसकी फर्स्ट वीडियो थी गाइस, फिलहाल समाप्त होती है फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो जो है पर आपको आई बटन में मिल जाएगी, बाकी आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए,
और आप वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।